और आ जाओ दोस्तों। आज हम तांबे के पीतल के तवे पे आपको एक अनोखा टेस्ट देने जा रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं मटकी मटर। और देखिए कैसे बनता है और किस तरह से उसका टेस्ट आता है, आप उसको जरूर करना, ट्राई करना, ठीक है। अब देखिए हम जाना बनाने जा रहे हैं मटकी मटर। ये देखिए इस पे हमने देसी घी डाला है, क्या डाला है? देसी घी डाला है। और इस पे हम डाल रहे हैं ये अभी जीरा डालेंगे इसको। और ये पीतल का तवा है, पीतल की कढ़ाई हर जगह मिलेगी, पतीला मिलेगा, लेकिन पूरी दुनिया में किसी चाट वाले के पास पीतल का तवा नहीं मिलेगा। अभी हम चांदी का तवा, तांबे का तवा और पीतल का तवा पे चाट बनाने जा रहे हैं, यानी एकदम डिफरेंट उसका टेस्ट होगा। अभी इसमें हम डालने, देखिए ये जीरा डालने जा रहे हैं, देखिए ये जीरा है, ठीक है। इसको गौर से सीखो, सभी लोग सीख भी लो, क्योंकि बार बार में मौका ऐसा नहीं मिलता है। सही बात। हम डालने जा रहे हैं हरी मिर्च, क्या ये हरी मिर्च, ये होगा चटपटा। ये प्याज डाल दिया इसके अंदर, क्या डाला? और ये देसी घी की थोड़ी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों की बॉडी बनानी है हमको, है ना, बॉडी बनानी। कभी भी बनाते समय सब लोग याद रखें, पीतल या तांबे पे खट्टे का यूज नहीं होता, नहीं तो खट्टा नहीं होता है। और इस तरह में कलाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी खट्टा यूज ना करें, इससे कुछ भी खट्टा है। अब इसके हम डालने जा रहे हैं, ये मटर हो गया है, देखिए ग्रीन पीस ये, और इसको धीरे धीरे फ्राई कर रहे हैं। गैस बंद, पहले इसकी डिग्री जो है 120 थी, अभी इसको मैंने 60 डिग्री पे कर दिया। कितना कर दिया? 60 पे कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे काजू डालेंगे, क्या डालेंगे? काजू। काजू खाने से क्या होता, बॉडी बनती है लोगों की, है सबकी बॉडी भी बनानी है ना, इसलिए काजू भी डालनी है। आवाज बंद करना, नहीं तो मुर्गा बना देंगे। आवाज बंद, ये डाल दिया इसमें काजू। अब इसके अंदर हम डालने जा रहे हैं क्या, अदरक। इंग्लिश पता नहीं लेकिन हिंदी में इसको जिंजर ना बताते रहिएगा भाई, जिंजर है। ये अदरक डाल दिया। अब उसके अंदर हम डालने जा रहे हैं धनिया, इसको महाराष्ट्र में कोथमीर बोलते हैं, क्या डालते हैं? कोथमीर। ये कोथमीर हो गई, ये देखिए। ये बहुत मजा आएगा इसको खाने में। इसके अंदर एक तरह और डाल दो, उनको लग रहा है इसके अंदर ग्रीन पीस थोड़ा हम और डाल रहे हैं। ये ग्रीन पीस और बढ़ा दिया है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मजा बहुत आएगा। ये मटकी है, इसका नाम है मटकी मटर, ये मिट्टी की मटकी है और इसी मटकी में इसको सर्व करना है, खाना है आपको, ठीक है। ये बन रहा है मटकी मटर, नमक डालेंगे अभी बात में।
पहले कभी भी नमक जब भी तवे के तवे पे भूलना, अगर पीतल का तवा हो उस वक्त नमक नहीं डालना, जब फिनिश पॉइंट पे हो उसके बाद आप नमक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रेडी होने को है, क्या है थोड़ा सा और भूनना पड़ेगा इसको, रेडी होने को है बस 5 मिनट और लगेंगे, है ना। सभी लोग सीखो, कोई टेंशन नहीं, मेरी लास्ट पीढ़ी है, इसके बाद कोई चार्ट नहीं बनाएगा। हाँ बस लास्ट है, इसलिए सबको सिखा दो, बन जाओ ना। अब इसके अंदर हम नमक डाल रहे हैं, देखिए नमक, ये नमक और थोड़ा ये नमक, हमारा अंदाज बहुत फिट रहता है, हम चम्मच यूज नहीं करते, हाथों से ही डालता हूँ। और ये बनने के लिए बेटी है कि उनको चार सीखनी है, प्रॉमिस ना, तुमको 100% इंटरनेशनल कुक बना दूंगा, है ना। अब इसको आपको टेस्ट करना है अभी थोड़ी देर के बाद, ये आपकी बेटी बन जाएगी और मेरी बहुत बढ़िया इंटरनेशनल कुक भी बन जाओगी ना, है ना। नाम आती हो? मुझे नाम नहीं चाहिए, मेरा नाम बहुत हो गया बेनाम, है ना। अब इसको अब थोड़ी डिग्री इसकी मैंने बढ़ा दिया है, क्यों लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, इसको तड़प रहे हैं खाने के लिए, इसलिए इसका गैस की डिग्री मैंने थोड़ी बढ़ा दी है, इसी से मैंने 120 डिग्री कर दिया है। अभी इसको हम बनने वाला है, बस तैयार होने वाला है, और फिर से रिपीट कर दिए, ये जो है इसको इसमें भी खा सकते हो, देखिए ये पुदीने की चटनी इसमें लगाई है, इसके ऊपर थोड़ा जीरा डालते हैं ये, और इसके अंदर भी इसको सर्व किया जा सकता है, है ना, आराम से। अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा, ये हमारी पहली रेसिपी है, बता रहा हूँ मैं आपको कि इसका नाम रखा है मटकी मटर, और हाँ जी नहीं, किसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, जबरदस्त खाओ, दबा के खाओ, कोई टेंशन वाला काम नहीं। ये पहली रेसिपी है, ये पीतल के तवे पे ये जो मटकी मटर है पहली रेसिपी है। और पहले आपने पीतल के तवे पे और क्या-क्या बनाया? नींबू मटर बनाया है, नींबू मटर बनाया, अभी चांदी का तवा आ रहा है, एक तांबे का तवा मंगा रहे हैं, अब ये झुनझुनाने लगा है, अब इसके अंदर हमको लगता है जान आने वाली है ना, ये अब इसको हम आपको टेस्ट कराएंगे। देखिए इसको हम यू सर्व करते हैं, पहले आपको सर्व करने का, ये मटकी है, ये मसाला में इसका लेप लगा हुआ है, और ये मटर डाल दिया इस मटकी के अंदर, मसाले का लेप लगा, ये मटकी में डाल दिया, और इसके अंदर एक ये हम हल्की से पालक है कुरकुरी, इसको हम ग्रीन चटनी में भिंगा रहे हैं, और ये धनिया का लेप लगा रहे हैं इसके अंदर, क्या लगा रहे हैं, ये धनिया का लेप। अब इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, हल्का सा नींबू, ये है हल्का सा, देखिए इसको मैं कुछ नहीं डालना, हल्का सा नींबू ये, और ये हल्की सी चटनी है ग्रीन चटनी पुदीने वाली, हाँ खाना बढ़िया, और ये है मीठी चटनी, क्या है 2 बूंद से ज्यादा नहीं, 2 बूंद अपने अनुसार जितना मीठा चले, ठीक है, और हरा धनिया या कोथमीर, है ना, और ये पूरा बन गया है क्या, मटकी मटर आज की स्पेशल डिश है, और ये रोज खाने को नहीं मिलेगा, जब हमारा दिल करेगा तभी बनाएंगे। आपको टेस्ट करना है, टेस्ट कराऊं 100% पक्का, डन, ठीक है। अब आप टेस्ट बताइए, एक मिनट, ये बहुत कूलर गर्म हो गया, इसे आपको ठंडे कूलर में जन भी मुझा जाएगा, एक मटकी मटर लगे भाई, एक मिनट ठहरो, एक मिनट मटकी मटर रुक जाओ, अब इसको आप जब टेस्ट करके बताइए, सबको बताइए, और तारीफ नहीं करनी है,
आपका क्या नाम है? कोमल चंदानी। गोमल चंदानी। गोमल चंदानी। वेरी गुड। हमारा नाम छोटू भी कहते हैं प्यार से घर में, है ना। अब इसकी तारीफ नहीं करनी है, इसको सिर्फ आपको टेस्ट बताना, अगर अच्छा हो तो यस, नो हो तो और कुछ बनाएंगे। वेरी टेस्टी। बहुत पहली सब्जी की पहली मटर की चाट, और वो भी मटर की चाट, बहुत ही अच्छा। आपको भी मट्टू मटर चाहिए, आ जाइए कैमरे सामने, आइए जल्दी आइए। आपके लिए भी देखिए, ये मटकी मटर, एक और मटकी मटर दे रहे हैं। ये विशेष बनाता हूँ, रोज नहीं बनाता हूँ, कभी कभी के लिए। इसका आप टेस्ट बताना है, आपको कैसा टेस्ट है। मैम इसका 100% टेस्ट बताइएगा, आप खाइए तो टेस्ट बताइए, कुछ कमी है। यानी यह सो कभी कहिएगा, धीरे से खाइएगा ना, जुबान जाने लगे, बहुत धुआं निकलता है उसका। सच में अच्छा लगा क्या? अभी ये थोड़ा सा और पकेगा तो इसके अंदर और जान आ जाएगी, है ना। आपको कैसा लग रहा है? सच बताइए। बढ़िया। गारंटेड? अब इसको मेनू में डाल दें? पक्का? ठीक है, मेरी वो आज के लिए इतना बहुत है, आपने टेस्ट किया, थैंक यू सो मच, आप आए, आपका मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये थी अच्छी चीज़। पहली बार बनाने लाइफ में मटकी मटर नाम लेके आपने क्लिप बनाई, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शहर लखनऊ में और हमारे राजगढ़ में, आप सभी का स्वागत है, थैंक यू शुक्रिया। विंड अप। बहुत अच्छी। अभी थैंक यू बेटा, थैंक यू।